Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. Let's go. For God's sake, don't call Anglo Colony. तुम लोग अपने आप को गिरा रहे हो. तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो. Hello. Good morning, children. Good morning. We are originally British. तेरी जैसी convent educated लड़की इस मोहल्ले के लायक नहीं. इतनी manners की क्या जरूरत है? रहती है तो अंकल के साथ. अंकल या यमराज, यमराज बोलो या धर्मराज, ऐसे अंकल हम बहुत सारे देख चुके हैं. लोना, हाय लोना, हाउ स्वीटी, ओच, डैडी, कम विथ मी, प्लीज प्लीज कम विथ मी, प्लीज, ओच, कम ऑन, ओ, लोना, लोना, लोना. चाय बना. चाय और आज नहीं हो पाएगी. क्यों? दूध नहीं ला पाई मैं. दूध नहीं ला पाऊंगी मैं. What happened? वो आर्थर मुझे रोज टीज करता है. What? आजकल ये सब भी शुरू हो गया. मैंने बार बार कहा है तुमसे, इस मोहल्ले के लड़के लड़कियों से मत मिलना. मैं क्या करूं? How can you blame me? Certainly I blame you. जरूर तुम्हीं ने चांस दिया होगा. मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूं, उन लोगों के साथ तुम बात नहीं करोगी.
ये देख या मैन यस क्या सोचा था तूने यू बास्टर्ड तूने मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की लोना सेव मी यू स्वाइन मैं तुझे जान से मार डालूंगा लोना सेव मी लोना आज के बाद तू किसी लड़की को छेड़ने के काबिल नहीं रहेगा प्लीज 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 अंकल दादा सेव मी लोना अंकल अंकल आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा प्लीज लीव मी अंकल आज के बाद से अगर तुमने लोना को टीस किया लोना प्लीज लोना से मैं जान से मार दूंगा अंकल छोड़िए और अगर तूने लोना से बात करने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा तो बैठ कहीं का गॉड सॉरी लोना तुझ पे मैंने हाथ उठाया तुझे चोट लगी है ना क्यों इतना गुस्सा आता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे नहीं लगी आप खा लीजिए मैं अभी निकलूंगा एक अच्छा घर देखने इस लोकैलिटी में अब नहीं रहना अगर यहां रहे तो तू बर्बाद हो जाएगी पार्क स्ट्रीट इससे कहीं ज्यादा बेहतर है हाँ वहां भाड़ा थोड़ा ज्यादा है फिर भी वहीं रहेंगे और उसके बाद तुझे एक अच्छे से डांस स्कूल में भर्ती करवाऊंगा अच्छा डांस सीख पाई तो अच्छे अच्छे पार्टीज में तुझे बुलावा मिलेगा किसी तरह अगर तू यूरोप जा पाई तभी मुझे शांति मिलेगी इस देश में अब मैं तुझे रहने नहीं दूंगा इस देश से कभी तुझे प्रेस्टीज नहीं मिलेगा आर्थर जॉन जैसे स्वाइंस के साथ मिली तो तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगा मिसेस स्मिथ विल सी फ्रॉम हेवन मैंने बचपन से तुझे बहुत नाजो से पाला है जात पात के चक्कर में मर मिटेंगे इस देश के लोग आपको थोड़ी और चाय देती हूं के लिए जहां अप्लाई किया था वहां से कोई खबर नहीं एक नौकरी का मिलना तेरे लिए बहुत जरूरी है सोच रहा हूं तुझे नौकरी मिल गई तो मैं अब रात को नहीं निकलूंगा ये सब काम अब मुझे अच्छा नहीं लगता Your name, please? लोना स्मिथ पहले कभी भी नौकरी का तजुर्बा है No. मिस्टर दत्त आप उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देख लीजिए ओ हाँ आपको एक डिक्टेशन लेना होगा उसमें नहीं हाँ इस पे सॉरी यू शैल बी Please to consign. Pardon? You shall be pleased to consign. CONSIGN.
इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत नर्वस थी। क्या लगता है तुझे, नौकरी मिलेगी? क्या पता। नहीं, नौकरी तो तुझे मिलनी ही चाहिए। और सोच रहा हूं कल ही नए घर में शिफ्ट हो जाए। Lovely, beautiful room. Lovely, beautiful room. Uncle swing very come soon. फिर तो चाहिए एक कप चाय, चाय पी के वो बोलेंगे वाह। रहेगा देखो सैंडल बूट, ड्रेस्ड अप करके देखेंगे आईना, लुकिंग सो हैंडसम बोलूंगी मैं। अरे इतना डिप्रेस क्यों? ऑफ मूड? हाँ, बड़ी फिकर हो रही है यार। तुझे किस बात की फिकर? अचानक ये महंगा मकान ले लिया, सोचा था लोड़ना की नौकरी पक्की हो जाएगी। नौकरी इतना आसान है क्या? चाहने पर मिल जाएगा। लोड़ना की नौकरी अगर पक्की नहीं हुई तो देख, मैं एक बात बताऊं क्या? देख, अगर जीने के लिए सबसे अहम पैसा है तो फिर मैनेजर को बोलने से लोरना का काम बन जाएगा। अच्छा, लोरना खूबसूरत है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। कैबरे डांसर रूबीने के साथ लगा दो, अरे महीने में 2-3 हजार ऐसे ही आ जाएगा। शट अप साले, हमको सब पता है। एक एंग्लो इंडियन लड़की, उसके लिए इतनी फिक्र। धोखेबाज डफर स्वाइन। आ
अंकल? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, मेरा कोई भी सपना सच नहीं होने वाला। मैं बार बार हार जाता हूँ अंकल। नहीं, किसी का अंकल नहीं मैं। अंकल होने का कौन सा फर्ज निभाया मैंने? हाँ, मैं एक गुंडा हूँ, लुटेरा हूँ। आप हैं मेरे अंकल, पुराने घर से लाई हूँ। क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ? I'm ready. हाँ? हाँ। माँ का आशीर्वाद लिया? मम्मी, आज मैं पहली बार ऑफिस जा रही हूँ। Wish you best of luck. And do good. Bye. Bye bye. Mrs. Smith, look. तुम्हारी लड़की लोना आज ठीक तुम्हारी जैसे ऑफिस जा रही है। उसे तुम आशीर्वाद कर रही हो ना? होप यू विल ट्रीट दिस मैटर एज एन अर्जेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। बिक्विक, और एक डुप्लीकेट भी रखना। हेलो, चैटर्जी स्पीकिंग। हेलो सुब्रमण्यम, व्हाट अबाउट आवर लेटर? राइट, मे आई कम इन? या कम इन। ओके ओके, देन सी यू ऑन फ्राइडे। ओके बाय। नमस्कार सर। ये क्या, व्हाट इज दिस? पिंजरा, मतलब अनर्थ, बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है सर। सर, जीवन में सुख शांति कुछ नहीं है। बड़ी दुख की बात क्या है मालूम है सर? जहां चारों तरफ वो दहेज के लिए पति के हाथों पत्नी मारी जा रही है, तब मेरी स्त्री, माय ओन स्त्री, मुझे मारने की धमकी दे रही है। उल्टा सीधा बात छोड़ के सीधा पॉइंट पे आइए। एक ही तो बात है सर, छुट्टी। छुट्टी? छुट्टी छुट्टी सर, मतलब आज ही सर, इसके भीतर अगर पंछी नहीं ले गया ना सर, तो मैं खत्म, मतलब बुरी तरह से हत्या। इसके अंदर पंछी? चंदना, मेरी स्त्री की खूब प्रिय पंछी थी, जानते हैं सर, खुद खाना देती थी, उससे बातें करती थी। परसों के आगे वाली दिन सर, वही बीवी का पेट खराब हुआ, वही सबसे बड़ा गड़बड़। गड़बड़ हो गया। हमसे बोली कि तुम खाना देकर जाओ। हाँ। तब तो ऑफिस का टाइम था, मैं भी हड़बड़ी में था, जल्दी से दरवाजा खोलकर खाना देने गया, बस पंछी फुर 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 करके उड़ गया। सर सर, दया करके छुट्टी दे दीजिए सर, अगर आज इसके अंदर पंछी नहीं दिया तो स्त्री मुझे मार डालेगी सर। लेकिन शाम को छुट्टी के बाद भी तो आप ये खरीद सकते हैं सर, छुट्टी के बाद पंछी कहाँ मिलती है सर, वो लोग भी तो घर जाते हैं। नहीं नहीं, काम के वक्त मैं छुट्टी नहीं दे सकता सर। छुट्टी के वक्त कोई छुट्टी चाहता है? मैं तो अपना प्राण बचाना चाहता हूँ सर। Annoying. ठीक है, आप जाइए, लेकिन लास्ट टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू, आप महान हैं सर, आप हिमालय हैं सर, हिमालय। सर, आपने जो उपकार किया है मेरे ऊपर, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ सर। मालूम है सर, आपने स्त्री के सामने मेरा वो बहुत ऊपर कर दिया है सर। मतलब मेरा सर कुतुब मीनार से भी ऊपर कर दिया सर। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, मतलब मैडम, थैंक यू मैडम। Thank you.
कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया। हाँ, और अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब तो नौकरी कर रही है। मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कहीं नहीं जाने वाला। नहीं, दारू नहीं पीऊंगा। नो नो नो। ये सब मैं इस्माइल को जाकर भेज दूंगा। क्या होगा इन सबसे? घिन आती है मुझे बार बार अपने आप से। बार बार घिन आती है। लोना, तुझे से कहता हूं, नहीं, बहुत बुरे काम किए हैं मैंने चंद रुपयों के लिए, पर क्या करता मैं? बता, बोलती क्यों नहीं? बोल। नहीं, अब और नहीं। इस वायलिन से, ऑर्केस्ट्रा दल से जो भी मिलता है, दैट्स इनफ। लोना, तूने मुझे बदल दिया है रे, बदल दिया है। लोना, तुझे तेरे मां की तरह बनना पड़ेगा, जो स्नेह से, अपने प्यार से परिपूर्ण हो। मां जो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, अपने प्यार से। दीपा, वापस आ जा दीपा, वापस आ जा बेटा, वापस आ जा। Come on! Hello, hello, hello! अरे सुधाकर, क्लब में तो आना बंद ही कर दिए हो? नहीं, मतलब ऑफिस के काम में। ऑफिस के काम में व्यस्त रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन फाइल के प्रेम में पड़ जाना किसी भी हाल में अच्छी बात नहीं है। खैर, जो भी हो, सुनो, मेरी मिसेज की इच्छा है अगले रविवार मेरे यहाँ चाय पर आओ। ओके? रविवार अचानक? अरे वो मेरी लड़की, अरे वो मेरे मिसेज जानती है। अरे मेरा दायित्व है अब तक खबर पहुंचा दूं, तो फिर आ रहे हो ना? एक्चुअली छुट्टी के दिन में। नो नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। यू हैव टू कम, तुम्हें आना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर प्लीज, आप जरा। आहार, हर काम में मुझे क्यों बुलाते रहते हो? किसी भी काम में मुझे ही। थैंक्स। क्या बातों बातों में उसके ट्रैप में फंस गए? ट्रैप मतलब? हाँ, जाने के लिए वादा किया है तो फिर रविवार को एक बार घूम के आओ। तब 440 वोल्ट है, बहुत होशियार। हेलो, यस चैटर्जी स्पीकिंग। क्या बोल रहे हैं? एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। यस, ओके। लोना, हमारे फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया, मैं वहां जा रहा हूँ। तुम काम कंप्लीट करके रखो, मैं लौट के देखूंगा। हेलो मैडम, ऑफिस टाइम इज ओवर।
एलोन बैठी हैं, घर नहीं जाएंगी? जाऊंगी, आर्थर इंतजार कर लूं अगर सर लौट आए। नहीं नहीं नहीं, मुझे खबर मिली है, चटर्जी घायल आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करने ले गए, इसलिए नहीं आएंगे। चलिए आज एक साथ चलते हैं। प्लीज डोंट माइंड, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा। नहीं, एक साथ आते तो अच्छा रहता, आपके साथ मेरा वो भाड़ा। बाय बाय, सी यू टुमारो। पॉली, छोड़ दीजिए। पॉली, पॉली। हेलो स्वीटहार्ट। अरे इतनी देर से राधा को तुम्हें खोज रहा था। व्हाई? ये देखो, हम दोनों एक साथ बस में जाएंगे, गप करेंगे। हैं? लेकिन आज तो भाड़ा तुम्हें ही देना पड़ेगा स्वीटहार्ट। मुझे देना पड़ेगा? हाँ? ओ, तो आज तो नहीं होगा। हाँ? मुझे अलग जगह जाना है। ए, ज, 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 ज्योति ज्योति। अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? वो लेटर सर। गुड, मैं ही लेकर आ गई। कितना दूं? एक। ओह थैंक्स, तुमने लोगी? नो थैंक्स, आई एम गेटिंग लेट, मैं चलती हूँ। अरे तुम घर जाओगी ना? मेरी गाड़ी से मैं ड्रॉप कर दूंगा। मतलब हेलो, यस चैरिटी स्पीकिंग। ओह हाँ हाँ, कल ना? हाँ मैं जरूर जाऊंगा। हाँ हाँ श्योर, ओके ओके। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्से वाली नहीं हूँ, मैं हर वक्त हंसती रहती हूँ। अभी तो ठीक लग रही हूँ ना? क्या बताइए ना। हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। असल में मुझ में सब गुण हैं, गुस्सा, परेशानी, हंसी, रोना, सब। यही तो है भारतीय नारी की असली रूप, राइट? शादी के बाद घर संभालने में इन सब एक्सप्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, वो मैं घर बसाने के बाद ही समझा दूंगी। घर? यस, कितनी लड़की को पता होगा। असल में ये भारतीय संस्कार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप भी तो भारतीय है। वही तो मेरी बदकिस्मती क्या है, भारतीय संस्कृति में वही साड़ी पहनना, दुल्हन बनना, उसके बाद रसोई में खाना पकाना, बच्चे पैदा करना, उसके कपड़े, उफ टिस। आंखों की मदहोशिया, होठों की मुस्कुराहट, एक बार सिर्फ छू के देखो मेरी दिल की ये आहट। आपके डैडी मुझे 6 बजे आने के लिए बोला था, वो कहाँ है? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी चटर्जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। गलती तुम्हारी है, भूल गए थे क्या मेहमान को 6 बजे बुलाया है? अरे मुझे बहुत जरूरी काम था, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे वो मुझे मिस्टर बैनर्जी, बैनर्जी ने मुझे बिल्कुल छोड़ा ही नहीं। छोड़ा ही नहीं, 5 बजे से मैं तुमको फोन कर रही थी। अरे वो टेलीफोन पर तुम थी। खैर छोड़ो, जब देर हो ही गई तो अब क्या कर सकते हैं। अरे ये मेरी कुंती, ए कुंतला। चटर्जी,
मेरी कुंती के रिसेप्शन में तुम बोर तो नहीं हुए? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी कुंतला बहुत अच्छा गाती है। सिर्फ गाना ही नहीं, नाचती भी है। राइट, डांस, वंडरफुल डांस। ओ हाँ, लेटेस्ट क्या डांस सीखी हो तुम? कुचिपुड़ी। कच्चूपुड़ी, वाह। कच्चूपुड़ी नहीं, कुचिपुड़ी है। ओ हाँ चैटर्जी, सुनो, कल या परसों मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। मेरा मतलब है तुम्हारी माँ से मिलूंगा, कुछ बातचीत करूंगा। देखो देखो, दोनों की कितनी अच्छी जोड़ी बनी है। एक बात कहूँ? बोलो। फैक्ट्री में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, सुना है उसका हाथ अलग कर दिया गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। हाँ। आफ्टर ऑल वो लोग हम ही लोग का तो है, इसीलिए कह रही थी। हॉस्पिटल में तुम उन्हें देखने जाओगी, आओ। लोना, लोना, चलो। तुम तो बहुत नर्वस हो। एक्चुअली मेरे पापा, जब मैं बहुत छोटी थी, एक एक्सीडेंट में वो गुजर गए। अरे हेलो ना। हाउ इज योर अंकल सैमुएल डेनिस? अभी क्या बोल रहा है? अच्छा। मेरी बात कौन सुन रहा है और मेरी जोड़ों के दर्द के बारे में कौन पूछ रहा है? आपके जोड़ों का दर्द बढ़ा है? बता तो, अकेली अकेली और कितने दिन रसोई संभालू, बता तो। क्यों, शिवानी दी नहीं आ रही है? नहीं नहीं, बहुत डांटूंगा मैं उन्हें, बहुत डांटूंगा। हाँ, मैं घर की नौकरानी के सिवा और कुछ भी तो नहीं। काम करते करते मर जाऊं, यही चाहता है ना तू? अच्छा माँ, आप इतना काम क्यों करती हैं? फिर कौन काम करेगा बता, घर में नौकर छोड़ के और कोई है क्या? सुन सुधाकर, साधु का की बहू आई थी। हाँ? आई थी? हाँ। उन लोगों ने कहा कि तूने लड़की देखा है और तू उसे पसंद भी किया है। संभाल के संभाल के, पानी पी ले, पानी पी ले बेटा, पानी पी ले। संभाल संभाल के माँ। हाँ, आप मुझे मारना चाहते हैं? क्या बक रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है तू? तो फिर कोई भी कुछ भी बोलेगा आप मान लेंगी? क्यों, लड़की तुझे पसंद नहीं आया? माँ, आप मुझे इतना प्यार ममता जतन से पाले हैं और किसी के भी गले बांध के मुझे पराया क्यों करना चाहती है आप? तेरी हरकतें मैं समझ नहीं पाती हूँ। ठीक है, अगर मेरी पसंद किया हुआ लड़की तुझे पसंद नहीं है तो तू जिसे पसंद करते है उसे शादी कर ले, मैंने तो मना नहीं किया। अच्छा माँ। हाँ? मेरे लिए आपको कैसी लड़की पसंद है? हर माँ अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढती है। लोना, आर यू एंगेज्ड? नो, वैसा कोई चांस नहीं है। स्ट्रेंज, व्हाई? तुम्हारी जैसी लड़की को कोई पसंद नहीं किया, ये सुन के थोड़ा हैरान हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है, मैं किसी से मिलती नहीं, कोई मुझसे मिलने का चांस भी नहीं पा रहा। बिल्कुल गलत, कोई अगर अच्छा लगे तो चांस ढूंढना नहीं पड़ता, चांस मिल जाता है। यू आर वेरी फनी मिस्टर चैटर्जी, इसमें तुम्हारा क्या फायदा? फायदा तुम्हें पता है, फिर भी तुम मेरे मुँह से सुनना चाहती हो। तुम्हें लेकर मुझे थोड़ा डर है मिस्टर चैटर्जी। क्यों? यू आर टू गुड। सो व्हाट? तुम्हारा स्टेटस है, तुम्हारी पहचान है,
मैं एक एंग्लो इंडियन हूँ। बहुत सारी दुख कष्ट तकलीफ मुश्किलें पार करके मुझे चलना पड़ता है, और उसके लिए लोना अगर कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझे बोलना। प्लीज डोंट ट्राई टू इंसल्ट मी। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली आई डिडंट मीन दैट। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। थैंक यू। लूना। हाँ? बहुत प्यास लगी है, चलो तुम्हारे घर जाके थोड़ा चाय पीते हैं। मेरा घर मतलब? हाँ तुम्हारे घर। अरे इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है, रोज तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ता हूँ, इतना तो तुम कर ही सकती हो। घर तो मेरा नहीं है। तो किसका है? मेरे अंकल का है। मेरे अंकल नहीं चाहते कि मैं किसी से मिलूं। तुम्हारे अंकल को पता नहीं है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? प्लीज डोंट माइंड मिस्टर चारजी, चलती हूँ। तुम्हारे घर से मैं बिना चाय पिए नहीं जाने वाला। Who is there, Luna? My office boss, Mr. Chatterjee. Good evening. Good evening. Be seated. Thank you. माय अंकल सैमुअल डेनिस। हाँ मेरा परिचय तो आप पता है। आप थोड़ी देर पहले वायलिन बजा रहे थे। हम्म। इट वाज ब्यूटीफुल, आप बजाइए ना। लोना के साथ क्या आपका कोई ऑफिशियल डिस्कशन है? हाँ मतलब कल सुबह 9 बजे तक उसे ऑफिस में पहुंचना होगा। एक्चुअली कुछ जरूरी डिक्टेशन देना था तो। लेकिन आपको इस घर का एड्रेस किससे मिला? एक्चुअली कुछ अर्जेंट था तो इसलिए ऑफिस से एड्रेस ढूंढ के मैं चला आया। लेकिन ऑफिस में तो इस घर का एड्रेस नहीं लिखा। नहीं अंकल, मेरा मतलब मैंने उसे इस घर का एड्रेस दिया था। ऑफिस में अगर गलत एड्रेस दिया गया है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है मिस्टर डेनिस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फॉल्स एड्रेस नहीं है। मतलब पहले हम जहां रहते थे उस घर का एड्रेस, ये एड्रेस तो अभी तक नहीं दिया। तो फिर मिस स्मिथ से आप कहिएगा कि एक चिट्ठी देके ये एड्रेस ऑफिस में सबमिट करे एज सून एज पॉसिबल। प्लीज। थैंक यू। कुछ और क्यों नहीं लेते? नो थैंक्स। क्यों? हमारे घर का खाना इसीलिए आप नहीं ले रहे? आफ्टर ऑल यू आर चटर्जी, ब्राह्मण। नहीं नहीं, मेरा कोई प्रेजिडिस नहीं है। एक्चुअली मुझे इस वक्त खाने की आदत नहीं है। अच्छा तो मैं चलता हूं। स्टेनो को बुलाने के लिए आपको यहां खुद आने की जरूरत नहीं है।
इससे आपकी तकलीफ ही बढ़ेगी। रदर क्लर्क से स्लिप भिजवाइएगा। एक्चुअली क्लर्क भेज के औरतों को बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे इससे अगर आप लोगों को इंसल्ट फील नहीं होता है तो अब से मैं ऐसा ही करूंगा। गुड नाइट। तो फिर से हिंदू लड़कों से मिलने लगी? आप उसे जो सोच रहे हैं वो वैसा नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। और फिर नौकरी भी तो बचा कर रखनी पड़ेगी। बिलीव मी अंकल, मैंने कोई, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू जानती है मुझे। माय लास्ट वार्निंग, अगर किसी हिंदू लड़के से मिलते हुए देखा। प्लीज अंकल, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं फिर से कहता हूँ, अगर कोई रियल यूरोपियन तुझसे शादी करना चाहे तो फिर शादी होगी, वरना तू जैसी है वैसी ही रहेगी। Molly. Aha! Hi, Molly, darling. How are you? Fine. How, sweetie? Shut up. Darling, don't touch me. Come with me. Leave me. Leave me. Darling, darling, I love you, darling. Idiot. Come with me. छोड़ो, छोड़ो मुझे. Arthur. छोड़ो. तूने फिर से ये सब शुरू कर दिया. It's none of your business. Shut up. Scoundrel loafer. तू नहीं सुधरेगा. You swine. अब कैसा लग रहा? राज चलती लड़कियों को छेड़ता है, स्काउंडल, इडियट। क्या तुम्हारे घर में किसी के साथ कुछ किया है? तुम्हारी बेटी लोना बंगाली बाबू के साथ गाड़ी में घूमती है, एंजॉय करती है, तब कुछ नहीं होता ना? सब गलती मेरा। यहाँ पे नाटक करना है? यहाँ पहले अपना घर संभालो। लोरना को बंगाली बाबू के साथ भेज दिया, तुम्हारा मकसद क्या किसी को नहीं पता? साले धंधेबाज, मुझे सिखाने आए हैं साले। जाओ जाओ घर जाओ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सॉरी, मैंने सुना तुम 9 बजे आ गई। वैसे ही तो बात थी, लेकिन मैंने तो मिस्टर डेनिस को बस ऐसे ही बोला था। पर वो तो मुझे सच ही मानना पड़ेगा, वरना। ओके ओके, आज तुम 2 घंटे पहले चले जाना। थैंक यू। पॉली, अच्छा ऑफिस क्या वृंदावन बन गया है? क्यों नहीं, तुम सीरियसली सोच कर देखो। मिस्टर चटर्जी एक उतने बड़े ऑफिसर, एक छोटे से चेंबर में दिल से प्रेम लीला चलाए जा रहे हैं। वेरी बैड। तो बताओ, बैरो के मामले में टांग अराना गलत है। स्पीक टी नॉट। ओके चुप। अच्छा अपनी बात कहूं। पॉली, आज सिनेमा देखने चलोगी? हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है, ऑल कॉस्ट मेरा, सिर्फ तुम और मैं। बोलो पॉली, जाओगी चलोगी? मेरा हाथ छोड़िए। ओ नहीं, एक टाइम क्या हुआ था, देख रहा था। जाओगी? आर यू रेडी? सॉरी, पर मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, घर जब जाना हो चली जाना, लेकिन मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेयर? टू हेल, जहन्नुम में। बी क्विक। हाँ, ऑफिस के लोगों ने क्या सोचा बोलो तो? क्या सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग मुझे बहुत नसीब वाला समझते हैं, लेकिन असल में मैं नसीब वाला नहीं हूँ, वो लोग गलत सोचते हैं। वैसा कुछ होता तो वो तुम्हारी बदकिस्मती होती। अच्छा, बार बार तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम लोग हमारे धर्म से घृणा करते हो ना? क्यों, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा? मुझे लगे या ना लगे, अंकल ठीक ही कहते हैं, खबरदार हिंदू मुसलमान लोगों से मत मिलना।
वो लोग तुम्हें अपने धर्म की वजह से बर्बाद कर देंगे। तुम बोलो ना चैटर्जी, तुम्हारे सब लोग जात को लेकर व्यस्त नहीं है? लोना, सब इंसान एक जैसे हैं, ऐसा तुमने कैसे मान लिया? नहीं, वैसा नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा अलग समझती हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी बात टाल नहीं सकती। धन्यवाद। वो आदमी कौन है? सैमुअल डेनिस? माय अंकल। तुम स्मिथ, वो डेनिस। वो तुम्हारे अंकल कैसे? वो मेरे पापा के दोस्त हैं, एक ही घर पे रहते थे। पापा की डेथ के बाद अंकल ने ही हमारी जिम्मेदारी ली थी। तो क्या तुम्हारे माँ के साथ उस आदमी का कोई? हम एंग्लो इंडियन हैं, इसलिए तुम ये घटिया बात बोल पाए, है ना? नहीं, मतलब मैं वैसे मेरी माँ जिसे तुम लोग सती कहते हो, वो वही थी। अंकल उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन तुम्हारे तुम्हारे अंकल को देख के तो नहीं लगता कि वो अच्छा इंसान है। लगने की कोई बात नहीं है, अंकल सच में कोई महान कुछ नहीं है। शराब पीते थे, गुंडागिरी करते थे, पर अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। जब मैं 5 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई। मरते वक्त अंकल को मेरी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। तब से अंकल ने मुझे इतना बड़ा किया है। अंकल को मैं अब तक समझ नहीं पाई। कभी कभी बहुत नाराज हो जाते हैं वो, तब मैं डर से रो पड़ती हूँ। और कभी कभी इतना प्यार करते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है ऐसा प्यार शायद कभी किसी से नहीं मिला। मुझे क्या लगता है पता है, अंकल की जिंदगी में शायद बहुत बड़ा कोई घाव है। घाव? और शायद इसीलिए कभी कभी रूठ जाते हैं। कैसा घाव? नहीं पता, आज तक कभी पूछा भी नहीं। सच कहूं तो पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा लोना, तुम्हारे अंकल क्या एंग्लो इंडियन है? नहीं, पूरे इंडियन क्रिश्चियन। जहन्नुम में। इस तरह मेरे तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं, सोच रहा हूं और ढूंढ रहा हूं। क्या? जात। नहीं, नहीं मिला। तुम कोई अलग जात की नहीं हो, तुम सिर्फ औरत के अलावा और कुछ नहीं। तुम सिर्फ ये ड्रेस पहनी हुई हो, इसीलिए एक अलग जात की दिख रही हो। तुम एक साड़ी पहन लो, देखना हमारी जैसी दिखोगी। लोना, ऑफिस में आई होल्ड माई पर्सनैलिटी,
पर जब मैं तुम्हारे आंखों को देखता हूं लगता है मैं खो जाऊं तुम में। चैटर्जी, लूना, ये तुमने क्या किया चैटर्जी? क्यों तुम मुझे इस तरीके से खींच रहे हो? लूना, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। लूना, तुम तो मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम क्यों मुझे इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो? लूना, लूना सुनो, लूना, लूना प्लीज सुनो, लूना। ऐसे हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ? कहाँ थी तू? ऑफिस में। इतनी देर क्या कर रही थी? काम का प्रेशर था। ओह, तब तो ओवर टाइम भी मिलेगा। कितने रुपए? हाँ, मतलब ओवर टाइम तो मिलेगा ही। बहुत दिनों से ड्रिंक नहीं किया, वो रुपए मिल जाए तो मेरे लिए एक बॉटल विस्की लाना। आप ड्रिंक करेंगे? पर ड्रिंक करना तो आपने छोड़ दिया है। जैसा मैंने कहा वैसे ही करना। कहाँ जा रहे हैं? काम पे। वायलिन नहीं लेंगे? नहीं। दोस्त, ले लो भाई, ले लो, ग्लास खाली। क्या बात है दोस्त, बहुत दिन के बाद में मेरे घर में। रुपए कल किसी के हाथों डैगर भिजवा देना मेरे घर। आई बाप, तुम खून करके पुलिस के हवाले होना चाहते हो? देखो दोस्त, अगर ये इस्माइल काम आ सकता है तो बोलो। एक दिन तो तुम इस गैंग के सरदार थे, तुम और मैं दोनों मिलकर बहुत काम किया है, तुमने मुझे बहुत दिया है। लेकिन किसने समझा मुझे? किसी ने नहीं। इस दुनिया में कोई भला इंसान नहीं। All are bloody selfish, liar! क्या हुआ दोस्त? इस्माइल, यही शायद ठीक था। खून, चोरी, राजनी, क्या जरूरत थी ये सब छोड़ने की? लूना ने मुझसे झूठ बोली। उस दिन लूना को देखा मैंने, तुम्हारी सरपरस्ती में वो बड़ी हुई, सोच भी नहीं सकता। लूना को देखा मैंने एक सुंदर से लड़के के साथ में प्रेम करते हुए, गाड़ी में घूम रही थी, एकदम लैला मजनू। Stop it! क्या हुआ? बेटा, बेटा इधर आओ, इधर आओ, गिर जाओगे। इधर आओ, आओ ना, इधर आओ, आओ ना मेरे पास, आओ, आओ, आओ। आजा, आजा बेटा। मेरे प्यारे बच्चे। माँ, माँ। अरे छोड़, छोड़। नहीं, पहले वहां से एक फल दो, उसके बाद। ऐसे नहीं बोलते बेटा, पहले पूजा होने दे, उसके बाद। ये क्या, क्या हुआ? शैतान बदमाश, जूता पहनकर भगवान के मंदिर में। हे भगवान, जाओ, जा बाहर, जा बाहर, जा जाके जूता छोड़ के। क्या प्यार देखो, जैसी माँ वैसा लड़का, प्यार देकर एकदम बिगाड़ दिया। क्या रे, तू बात नहीं सुनेगा? जूता पहन के आया तो क्या हो गया? चुप चुप, मेरे साथ जबान लड़ा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई तेरे माँ के लिए? चल चल, निकल निकल यहाँ से, निकल, निकल घर से। अभी तो स्कूल से आया है। आने दो स्कूल से, जूता पहनकर मंदिर में आएगा? निकल, निकल यहां से, निकल। छोड़, बदमाश कहीं का।
भगवान यहाँ है, जूता पहनकर अंदर आ गया। तेरी गलती है, मंदिर में खड़े खड़े मार क्यों खा रहा था, भाग जाना चाहिए था। तेरे बारे में मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, कब क्या कर बैठेगा पता नहीं। अच्छा माँ, मंदिर में चमड़ा लेके नहीं घुसते? नहीं। क्यों नहीं? चमड़ा अपवित्र है इसलिए। फिर तो बजाने वाला खोल भी वहां से निकालना पड़ेगा। क्यों? वो भी तो चमड़े से बनता है। ये सब कैसी बातें? नहीं, चमड़ा जब अपवित्र है मैं वहां से उस खोल को निकाल के ही छोड़ूंगा। चुप, अगर तेरी पिताजी को पता चले ना तहलका मचा देगा वो। फिर वो झूठ मूठ मुझ पे क्यों दोष लगाए? जी बेटा, इस तरह से नहीं सोचते। अब तुम पढ़ाई लिखाई करोगे, बहुत बड़ा इंसान बनोगे। निकल, बंदे क्यों मार रहा है इसको? अच्छा किया, अच्छा किया। तेरे बाप का क्या है? क्या बोला? ये काट फिर से आया रे साला हरामी। अरे चल इसको छोड़, छोड़ उसको, तेरी तो। चल चल भाग यहाँ से, चल 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 निकल। क्या रे? निकल जा यहाँ से। कहाँ जा रहा है? चल 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 चल, देख लूंगा। चल तुझे, हम लोग भी देख लेंगे। कान के नीचे खींच के चल। रुक, अरे जा जा, अरे हिम्मत है तो रुक जा। आ रहा हूं। चल तुम्हें चोट तो नहीं आया? अकेले जा पाओगे? ये साथ में चलो। हाँ हाँ, वो लोग रोज ऐसा ही करता है पैसे लेने के लिए। अच्छा, कल अगर वो लोग तुम पे हमला किया तो? वे लोग मुझे मारेंगे। मेरा नाम दिवाकर, गाड़ दूंगा सालों को। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नरेन है, नरेन चौधरी। नरेन चौधरी? हाँ। कहाँ रहते हो? वो चौधरी कॉलोनी है ना, वही रहता हूँ। अच्छा, तुम चलोगे मेरे साथ? मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगा, चलोगे? मन में आज रंग लागे, रंग जाने दो, ना आए बसंत देखो, भीग गए नयन। नाए बसंत देखो, भीग गए नयन। मन में आज रंग लागे, रंग जाने दो। मन में आज रंग लागे, रंग जाने दो। वाह, बहुत बढ़िया गाते हो तो। इतना खूबसूरत गीत मैंने पहली बार सुना। अच्छा, तुम बाहर क्यों नहीं गाते हो? गुरु ने मना किया है। गुरु ने मना किया? हाँ। कौन है वो? उस्ताद नासिर हुसैन। नासिर हुसैन? अच्छा, तुम्हें गाना नहीं आता? गाना? हाँ। हम्म, तुम गाना सीखोगे? हाँ, चलो ना मेरे गुरु के पास, चलोगे? ये कौन है? उस्ताद जी, ये मेरा दोस्त है, वो गाना सीखना चाहता है आपसे। अच्छा, बैठो बैठो। तो रुपया देगा तो? उस्ताद जी, वो कुछ नहीं दे सकता, वो बहुत गरीब है। ठीक है, रुपया नहीं देना, मगर दिल देना पड़ेगा। हाँ। बाबूजी। हाँ बेटी। हाँ। क्या दिल देगा तो? तुम्हारा माँ बाप का मर्जी है तो? माँ। हम्म। माँ, मुझे गाना सीखना है। मतलब? क्यों माँ, मैं गाना नहीं सीख सकता? तू अगर गाना सीखेगा तो मारपिटाई कौन करेगा? फुटबॉल में लात कौन मारेगा? अगर तुम साथ दोगे तो जरूर कामयाब होऊंगा। हम्म, किसके पास सीखेगा? वो है ना नासिर। क्या हुआ, नाम तो बता। वो है एक बड़े कलाकार। पढ़ाई लिखाई छोड़कर तू गाना सीखेगा, तेरा पिताजी गुस्सा नहीं करेगा? माँ, माँ, तुम नहीं बोलोगे तो पिताजी को कैसे पता चलेगा? तू ऐसा समझता है? बोलो ना माँ। हाँ बोलो ना माँ। ठीक है ठीक है, अगर गाना सीखने से अच्छा लगे तो सीख ले, मैं मना नहीं करूंगी। आ
रंग भर जाए ओ सजनी, क्यों बोलो ना ओ जी तुम बोलो ना, चाहूं सुर की झरना। सुर में रंग भर जाए ओ सजनी, क्यों बोलो ना ओ जी तुम बोलो ना, चाहूं सुर की झरना। सुर में रंग भर जाए, सुर में रंग भर जाए, सुर में रंग भर जाए। तुम पर खोके मैं तो हुई दीवानी।
सजनी क्यों बोलो ना जी, तुम बोलो ना चाहूं सूर्य की झरना सूर्य में रंग भर जाए गर्सनी धाम हसानी धनी रे गामा पा सनी सनी धनी धमाधा मधा धनी सा सनी सनी धमसा नगर सा मधा नी सा मधा नी सा मधा नी सा सूर में रंग भर जाए सूर में रंग भर जाए सूर में रंग भर जाए ओ सजनी कौन? नासिर हुसैन मुसलमान? हाँ पिताजी, वो मेरे गुरु हैं, उनके पास मैं तालीम ले रहा हूँ और सीखने के लिए मुझे हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर भी जाना पड़ेगा। समझ गया समझ गया। बाहर में तो उनके साथ ही रहना पड़ेगा मुझे, और इसके अलावा वो लोग के मजहब अलग हो सकते हैं पर वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो? धर्म? धर्म क्या होता है पिताजी? चुप हो जा हरामजादे, धर्म क्या होता है? मैंने सही बोला, संगीत का कोई धर्म नहीं होता है, संगीत एक कला है, यहाँ कोई धर्म मजहब का बात ही नहीं है। चुप रहो, बड़ी बड़ी बातें, इतना बिगड़ गया है तू, इसीलिए तेरी पढ़ाई लिखाई खराब हो गई। एक हिंदू लड़का होकर मुसलमान, निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ, निकलो, निकलो यहाँ से। निकाल रहे हो आप? हट जाओ, हट जाओ, कुछ नहीं हुआ, अभी मजा चखाता हूँ। क्या हुआ? इतनी बड़ी हिम्मत? निकल, निकल, ये पिताजी, मत मारो, तो हटो, निकल, पिताजी छोड़ दीजिए, इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी हिम्मत तेरी, मैं मार डालूँगा, मेरा धर्म भ्रष्ट करके तू जिंदा रहेगा? वो तू एक बार बोल ले, गलती हो गई, गलती हो गई, छोड़ दो, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या? इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इतना क्रोध, क्या सोचा तूने? क्या सोचा तूने? हमारी औलाद नहीं है, हमारी औलाद नहीं है, निकल जा घर से, निकल जा घर से, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। दीपा, दीपा सुन जा बेटा, दीपा सुन, दीपा, दीपा वापस आ जा, वापस आ जा दीपा, दीपा वापस आ जा, वापस आ जा बेटा। रोने से कोई फायदा नहीं, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं यार, बहुत दिन हो गए हम लोगों को आगरा आए हुए। देश देश घूमकर हम लोगों का काफी रोजगार हुआ। अब सोच रहा हूं तुम्हारे शादी कराकर यहां से दिवाकर को लेकर लखनऊ चला जाऊं। बेटी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हम जानते हैं बेटी, हमें छोड़कर रहने में तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। बेटी, मुझे भी बहुत तकलीफ होगा, और कोई उपाय भी तो नहीं,
अब्बा जान का इज्जत तो तुमको रखना ही होगा। नहीं यार बाबूजी, बाबूजी मेरी शादी करवा रहे हैं। नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा। दिवाकर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं यार, तो फिर तुम जाओ, बाबूजी को बताओ, जाओ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तुम नैयर को शादी करोगे तो मैं बहुत बहुत खुश होऊंगा, नैयर भी बहुत खुश होगी। लेकिन बेटा तुम्हें तो कलमा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। मैं मुसलमान बनूंगा क्यों? नैयर मुसलमान है और तुम हिंदू। हिंदू होकर क्या मैं नैयर से शादी नहीं कर सकता? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। उस्ताद जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको तो पता है उस्ताद जी, मैं धर्म नहीं मानता हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक गायक हूँ। एक गायक के साथ क्या आप अपनी बेटी से शादी नहीं करवाएंगे? कभी नहीं। उस्ताद जी मैं एक इंसान हूँ, मैं हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हूँ। मैं नैयर से प्यार करता हूँ। देखो बेटा, तुम अगर मुसलमान बन सकते हो तभी मैं नैयर का हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकता हूँ। यही मेरा आखिरी फैसला है। सुन, चल, हे, ये माल, ये रख, ये माल, चल भाग, जल्दी भाग। हे, पकड़, निकाल, तेरे पॉकेट में क्या? देखे, निकल, क्या है? सर्च कर, यहाँ देख। अच्छा किये सर, पकड़ लिए। हाँ, पर ये वो नहीं है सर, मैंने खुद देखा है, वो लोग टी शर्ट में थे। ठीक बता रहे हैं तो? हाँ सर। तब कहाँ है वो? वो रहा, भाग रहा है। चल। सब बड़ी बड़ी बात, इसकी कोई अहमियत नहीं। देख ला, जोड़ा प्यार, प्यार मोहब्बत, ये सब बकवास है। देना वो, इसके जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। क्या पहले मैं अब? अरे मुझे दे। अरे क्या दुनिया में सबसे बेईमान है। साला अरे बाबा, खाओ पियो जियो, बहुत मस्त माल मिला, दुनिया का मजा लूट ले। कपाक करके चाकू निकालना, अरे वो मेरा ग्लास है, छोड़। और गले के पास पकड़ के बोलना, जो है निकाल, नहीं तो Yeah!
आज से अनवर के गैंग में नया नाम शामिल हुआ, दीपाकर। बोल नहीं खाले खाले दीपाकर कहाँ करे खाले ढूंढ ले अरे कहाँ करे अरे अरे नया लड़का है कहाँ करे हम लोगों के साथ चल रे पेग मना बना बना बर्बाद हो गया मां साला चल दे छोड़ इसे खत्म कर डालूंगा तुझे छोड़ हट हट जा तो खत्म कर डालूंगा चल हरिया चल बे हमारे मोहल्ले में आके मस्तानी कर रहा है चल चल उधर चल कौन है माइका लाला अनवर मगन सिंह अनवर अनवर तुझे ये इलाका छोड़ना पड़ेगा चले जाने के लिए यहाँ मैंने अपना अड्डा बनाया मेरे इलाके में आकर कोई दादागिरी करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता तेरा या मेरा ये दिखा दूंगा मेरे इलाके में मुझे हिस्सा दिए बगैर कोई काम नहीं कर सकता तू भी नहीं मैं वो देख लूंगा अरे ये साला कौन है बे अनवर उसके लिए काम करता था साला हिम्मत देखो उसका हमारे इलाके में घुस गया वो गुंडों का बाप है चल चले जा वहां से लेकर आ जा साले अनवर नहीं अरे सब बर्बाद हो गया अरे लूट गया अरे लूट गया अरे बाप रे बाप अरे बर्बाद कर अरे लूट गया मेरा दुकान अरे
मदन तो मर गया, यहाँ रहना अब ठीक नहीं। जा तू भाग जा यहाँ से, तू भाग जा। अरे मेरा चिंता मत कर, तू जा, तू जा, तू जा। कौन 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 है वहां? अंधेरे में क्यों मेरे बच्चे? आओ आओ मेरे सामने आओ आओ। तुम जीसस के शरण में आए हो, बेखौफ बोल सकते हो, हमारे यहां सब बराबर है। फादर, फादर मुझे रहने का जगह दीजिए। फादर, फादर, फादर मुझे रहने का जगह दीजिए। फादर, नाउ यू आर सैमुअल डेनिस, आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। पुलिस? फादर मे आई कम इन? यस कम इन। सात बरस जेल में रहने के बाद तूने तो सेहत बना ली क्या? क्या सोच रहा है? सोच रहा है जेल से छूटने के बाद ही सारे अफसर लोग तेरे हाथ में खजाना देकर कहेंगे, आओ मेरे बच्चों, जो चाहे कर लो। नहीं मिलेगा, ये लोग कुछ भी नहीं देंगे। नौकरी भी नहीं मिलेगा और पैसा भी नहीं मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि तेरे बदन में एक कपड़े में खून का दाग लगा हुआ है। तू जेल में रहने वाले एक मुजरिम है। इस देश में जब मांगने से कुछ नहीं मिलता तो समझे जोर करके छीनना पड़ता है। हाँ, छीनना ही पड़ता है। इसके अलावा हम जैसे कैदियों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं, समझे? कलकत्ते जाने के बाद में इस्माइल से मुलाकात करना, वो तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देगा। ओह माय गॉड, जान ना पहचान, किसी अनजान आदमी को घर में लाके शेल्टर दे रहे हैं। अब अगर कोई मुसीबत आन पड़े तो? देखो, वो इस्माइल के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो घर का भाड़ा तो मिलेगा ना? या फिर आपके इस्माइल ने कहा इसलिए भाड़ा भी? ठीक है, मैं कल ही इस बारे में इस्माइल से बात करूंगा।
तुम्हें इस मामले में मैं कम इन यस मैं जब आप लोगों के घर पे रहूंगा तो मैं कह रहा था कि रुपए मैं दूंगा जरूर दूंगा थैंक यू और आप लोग अगर खाने का इंतजाम भी कर दें तो उसके पैसे अलग से दूंगा कहिए अब मुझे यहां शेल्टर देने में कोई परेशानी तो नहीं अरे कितनी प्यारी बच्ची है अरे तुम रोती क्यों हो प्यारी बच्ची रोते नहीं यहाँ हंस दो रो नहीं जो भी तेरे पास है निकाल निकाल जल्दी निकाल अरे क्या हुआ दोस्त जो कभी नहीं किया था आज कर दिया एक आदमी को चाकू मार कर आ रहा हूं खून मतलब मर्डर पता नहीं जिंदा या मर गया किसी ने देखा तो नहीं तो फिर घबराने की क्या बात है जो होना था हो चुका लो लो अरे टेक इट इजी चलो कम ऑन आज का दिन बहुत बुरा गया चलता हूं रुको डेनिस तुम्हारे जैकेट में खून के धब्बे हैं इसको पहनकर बाहर जाओगे मुसीबत में आ जाओगे चलता हूं तो मैं चलता हूं डेनिस यस गुड हेवेंस लॉर्ड तुम यहां पर हो तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं व्हाई मुझे दुख है कि मैं तुम्हें एक बुरी खबर सुना रहा हूं मिस्टर स्मिथ ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए हैं व्हाट यस डेनिस व्हाट अ पिटी पुलिस अभी खबर देकर गए हैं पुअर मिसेस स्मिथ छोटी बच्ची को लेकर क्या करेंगे उनका घर बर्बाद हो गया डेनिस नौकरी करेंगी हाँ शादी से पहले मैंने कुछ दिनों के लिए एक नर्सिंग स्कूल में ट्रेनिंग लिया था लेकिन शादी के बाद मिस्टर स्मिथ ने मुझे वो काम करने की इजाजत नहीं दी इसलिए अब सोच रही हूं कि मेरे लोरना के लिए हाँ मेरे लोरना को बड़ा करने के लिए एक बार तो कम से कम कोशिश करके देखूं अगर वो काम मुझे मिल जाए नहीं मुझे यकीन है मुझे काम मिलेगा अंकल तुम रोज शाम को कहाँ जाते हो लोरना मैं तो जाती हूँ मॉर्निंग स्कूल में मामी जाती है हॉस्पिटल में पर तुम कहाँ जाते हो कहाँ काम पे क्या काम करते हो तुम्हारी मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई मैं जानती हूँ तुम क्या काम करते हो हा?
मामी कहती है कि तुम रोज रात को बाजे बजाने के काम करते हो। बाजा बजाने का काम? वो रहा तुम्हारा बाजा। आओ आओ ना। मेरा बाजा? मामी संभल के रखे हैं। मामी बोले हैं कि वो अंकल बजाएंगे। अच्छा? अंकल तुम मुझे सुनाओगे? मिस्टर डेनिस, सारी दुनिया की नजर में आप क्रिमिनल हैं, लेकिन मेरे लिए और लोना के लिए आप भगवान हैं। लोना आपके सुर के साथ नाचती है, गाती है, खुश रहती है, और मैं निश्चिंत होकर काम करती हूँ। आप इसी सुर को दुनिया में फैला दीजिए। एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइए और इस गंदी दुनिया से बाहर आ जाइए। आपकी बहन स्मिथ। स्मिथ, मिसेस स्मिथ, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बताइए मिसेस स्मिथ, क्या हुआ आपको? लोना, लोना, इट्स अ मैसिव अटैक। शरीर का जो हाल है, मुझे लगता है इसमें बचना बहुत मुश्किल है। इलाज तो चल रहा है, चलो। तो पर्सनली आपको एक बात बता रहा हूं, उम्मीद बहुत कम है। आई एम सॉरी। स्मिथ, आपके पास से मुझे संगीत मिला था, बड़े प्यार से उसे अपने जीने का सहारा माना था। अब आपके बिना कैसे होगा? अंकल, ओ अंकल, आप क्यों रो रहे हैं? अंकल आप क्यों रो रहे हैं? लोना, मैं भी अनाथ हो गया।
तो बहुत प्यारी है। लोना नाम की कोई लच्छनी तो नहीं है इसमें? माँ, उसका नाम लोना नहीं, हा? उसका नाम लोरना। लोरना। अगर लोना नहीं बुला पा रही है तो आप मुझे लीना कहकर बुला सकती हैं। अरे तुम तो बहुत प्यारी हिंदी बोलती हो, कहाँ से सीखा? मेरे अंकल बहुत ही अच्छे हिंदी बोलते हैं। उसकी चाचा। चाचा चाचा। बचपन में सुना था माँ भी बहुत ही अच्छी हिंदी बोलती थी। मैं एंग्लो इंडियन हूँ पर जन्मी तो हिंदुस्तान में ही हूँ ना। घर में कौन कौन है बेटी? माँ, पापा? मेरा कोई नहीं है माँ, सिर्फ अंकल के सिवा। बेचारी, साड़ी पहनने से तुम बहुत प्यारी लगोगी। कौन कहेगी कि ये मेम सब है, बिल्कुल घर की बेटी लगोगी। तो ठीक है माँ, आप उसे साड़ी पहना के हमारा ही घर का बना लीजिए। जानती हो माँ के पास ना बहुत अच्छी अच्छी साड़ी है, बनारसी, जरदोसी और। पहनोगी बेटी? माँ, मुझे पता था कि आप नाराज हो जाएंगे, ऑफिस में थी इसलिए लेट हो गई। मैं ऑफिस से खा कर आई हूँ और ओवरटाइम के पैसे परसों मिलेंगे। कौन रुपए देगा? क्यों, ऑफिस। तू झूठ बोल रही है, तू ऑफिस से नहीं उस हिंदू से ले रही है। अंकल, तो उस लड़के से पैसे क्यों ले रही है? क्या बोल रहे हैं आप? लोना, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, तू उस हिंदू लड़के से नहीं मिलेगी। कहाँ मिल रही हूँ? लोना, तू एक हिंदू लड़के के लिए मुझसे झूठ बोल रही है? तू जो उस लड़के से मिलती है ये बात मैं जानता हूँ, मैंने खुद देखा है। वो लड़का तुझे बर्बाद कर देगा, एंग्लो इंडियन से वे नफरत करते हैं। मैं इन हिंदुओं को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं, मैं भी कभी हिंदू था और फिर मुसलमानों के साथ भी रहा। हाँ? वे जात छोड़कर और कुछ नहीं पहचानते, इंसानियत की कोई कदर नहीं। उनके पल्ले पड़ी तो तू बर्बाद हो जाएगी, समझी? प्यार अगर वो जताते हैं तो सिर्फ अभिनय करने के लिए। इस देश के तमाम लोग मुखौटा पहन के घूमते हैं। पर उसने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। शादी? हाँ। झूठ बोलता है वो। झूठ नहीं, ये नहीं हो सकता, आप सही नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब तू कहना चाहती है मैं जो बोल रहा हूँ वो तेरे बुरे के लिए है? लोना, मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, ट्राई टू हेड देम। अंकल, एक बात आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्या? अगर आप उनसे घृणा करेंगे तो वो भी आपके करीब कभी नहीं आएंगे, घृणा और भी बढ़ जाएगी। क्या हमारा आगे बढ़ना ठीक नहीं है? तू जज्बात में बह गई है, असल में तुझे मति भ्रम हुआ है, तू धोखा खाएगी। बार बार बोल रहा हूँ लोना, तू जो कर रही है गलत कर रही है। गलती आप नहीं कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? लोना, आप क्या चाहते हैं? मैं जिंदगी भर आपकी चार दीवारों में बंद होके रह जाऊं? मेरी शौक, इच्छाएं, कुछ कुछ भी नहीं रहेंगी। मैं, मेरी। Stop it! मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, उस लड़के के साथ दोबारा नहीं मिलोगी और अगर मिली then I will kill him. No, uncle, no. जरूरत पड़ी तो उसका खून करके जेल जाऊंगा। नहीं, उसका खून करूंगा मैं। नहीं, मेरा और एक रूप है जो तुमने अब तक नहीं देखा लोना। no. चक को चलाते हुए मेरे हाथ नहीं कांपते। no, uncle. आप उन्हें नहीं मारेंगे, प्लीज अंकल। He is innocent. Don't kill him. उसे मत मारना, मुझे मत मारना, उसे मत मारिए। लोरना से शादी करने में प्रॉब्लम किस बात की है? मेरी माँ इतनी अच्छी है। नहीं, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ उसके बाद, शादी के बाद लोरना के जो बच्चे होंगे वो लोग किस समाज में रहेंगे, कौन सी कल्चर, कौन सी धर्म लेके जिएंगे वो।
न इधर का न उधर का, उन लोगों का आइडेंटिटी क्या होगा? लिसन माई डियर फ्रेंड, यस, तुम्हारे इतने सारे सवालों का जवाब क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे पता है वो है एंग्लोज के कल्चर विदेश में नहीं, ओके, यहां पे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जानती हो लोना, मैं आज सुबह बोल रही थी कि मां अपनी शादी में जो गहने पहने थे वो सब देखे तुम्हें। लूना? यस। आर यू फीलिंग अनइजी? नो, आई एम ऑल राइट। तो फिर तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? कहाँ, नहीं तो मैं तो बस ठीक ही हूँ। लेकिन मैं न्याय कमिंग सर। किधर है सर? यस कमिंग सर। मेरा एक प्रश्न है सर, मैं क्या बड़े बाबू का खरीदा हुआ गुलाम हूँ? बड़े बाबू क्या मेरे लीगल गार्जियन है? वो बात बात पर मुझे धमकी देते हैं, आज 5 मिनट लेट, कल 10 मिनट लेट, तुम्हारे नाम पर लाल दाग लगेगा। क्या समझते हैं वो हमेशा मुझे डर दिखाते रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं है डर को मैंने जीत लिया है। स्टॉप इट। मैंने तो कुछ नहीं बोला सर, मैं तो ऐसे ही आया था। ओ नहीं, बड़े बाबू ने फाइल भेजा है सर। यू मे गो नाउ। ठीक है सर। लोना, तुम्हें क्या हुआ है, इतने उदास दिख रही हो? और कोई काम है? तुमने जवाब नहीं दिया। लोना, चलो ना हम दोनों मिलके एक फिल्म देख के आते हैं ऑफिस की छुट्टी के बाद। एक्सक्यूज मी मिस्टर चैटर्जी। बट व्हाई? मुझे काम है। क्या काम? सॉरी। तो फिर तुम मेरे साथ फिल्म देखने नहीं चलोगी? लोना, अचानक तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? प्लीज मिस्टर चैटर्जी, आई कांट। आई सी। Okay, see you. Bye. Miss Smith. Good morning. आप एक बार मिस्टर रॉय से बात कीजिएगा, ओके? मिस स्मिथ, मिस्टर चैटर्जी फील्स डिस्टर्ब। उनके चैम्बर में बैठ कर टाइपिंग करने से उनको तकलीफ होती है, इसीलिए बड़े साहब ने ऑर्डर दिया है आज से तुम जनरल सेक्शन में बैठोगी। This is for your information.
मैं निकल रहा हूं, लौटने में रात होगी। इसका मतलब आप फिर ड्रिंक करने जा रहे हैं? पर क्यों? आपने जो चाहा मैंने वही किया। क्या किया? चैटर्जी को रिजेक्ट कर दिया, उसके बदले में अपनी सजा भी पाली। सजा? इतने दिनों तक मेरी बॉस की चेंबर पे ड्यूटी थी, अब जनरल सेक्शन में। इसके बाद और क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए लोना, मुझे सिर्फ तुम्हारा भला चाहिए। एट द कॉस्ट ऑफ स्टार्वेशन? व्हाट यू मीन? आपके भला चाहने से हमें भूखा मरना पड़ेगा अगर नौकरी चली जाए। जाती है तो जाने दो, एक नौकरी के एवज में तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। प्लीज अंकल, आप आज ड्रिंक करने मत जाइए। ड्रिंक करके मैं अच्छा महसूस करता हूँ और बहुत कुछ भूल के भी रह सकता हूँ। उससे अच्छा चलो ना अंकल, हम लोग सिनेमा देख कर आते हैं। तुम बहुत परेशान हो, तुम सोचती हो कि तुमने छोड़ दिया है, पर सच तो यह है कि तुम नहीं छोड़ पाई। और मैं जानता हूं कि तुम उस लड़के के चुंगल में फिर से फंस जाओगी। नो, नेवर। यू डोंट नो योरसेल्फ। अच्छा चलता हूं, लौटने में देर हो जाएगी। अंकल, तुम सोचती हो कि तुमने छोड़ दिया है, पर सच तो यह है कि तुम नहीं छोड़ पाई। और मैं जानता हूं कि तुम उस लड़के के चुंगल में फिर से फंस जाओगी। सुधाकर, तुमने मुझसे क्यों प्यार किया? मैं जो किसी भी तरीके से भुला नहीं पा रही, किसी भी तरीके से नहीं। ये क्या? तुम? हाँ। मैं आया हूं, बाहर बहुत देर खड़ा था, देखा तुम्हारा अंकल डेनिस बाहर गया। क्यों आए हो तुम? कोई अगर देख ले तो? नहीं नहीं, तुम चले जाओ। लेकिन तुम्हें बिना लिए मैं नहीं जाने वाला, चलो मेरे साथ। नहीं। क्यों नहीं? चलो चलो लोना, प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मारोगे। छोड़ो लोना, छोड़ो छोड़ो लोना, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं चाहती तुम्हें, नहीं चाहती। प्लीज गेट आउट। आ जाऊंगा। तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा। चैटर्जी, प्लीज प्लीज गो आउट। मैं तुम्हें बार बार बता रही हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लूना, प्लीज लीव दिस, प्लीज। तो फिर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं। तो फिर क्यों प्यार का नाटक किया? नाच गाना मस्ती मजाक और प्यार का नाटक करके पैसा कमाने के अलावा तुम लोग और कुछ नहीं जानते हो। कोई सीरियसनेस नहीं है तुम लोगों में। लेकिन मेरे प्यार के साथ खेलने का अंजाम मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा लोना।
फूलों से सजाने से क्या होगा? सारी फूल सब बेकार। जो आदमी हमारे लिए इतना करता था, ठीक है, ये वाला जिसकी वजह से विजय सम्मेलन शुरू, ठीक ठाक है, आज उसी को भूलकर, ठीक है, तुम आना नहीं, अरे नहीं, मैं इसमें नहीं हूँ, ठीक है, हाँ, अच्छा, मैं इसमें, क्या नाम है? हाय, हाय, मिस स्मिथ, देखा आपने, मनुष्य कितनी आसानी से सब कुछ भूल जाता है। क्या हुआ केजी? ये लोग किसी भी तरह नहीं समझना चाहते हैं मिस्टर चटर्जी कितनी तकलीफ में है। चटर्जी की तकलीफ? अरे वाह, उसी की गाड़ी में घूमती हो और उसी के एक्सीडेंट की खबर नहीं है तुम्हें? एक्सीडेंट? माय गॉड, माय गॉड। हेलो स्मिथ, व्हाट आर यू डूइंग हियर? हाउ इज मिस्टर चटर्जी? चटर्जी यू डोंट नो, वो तो आज काफी दिनों से बीमार है। क्या हुआ? पूजा के पहले एक मोटर एक्सीडेंट हुआ था, उससे उनके छाती में गहरा चोट लगा। माजी साहब के पास बैठी। ओ, वहां खड़ी क्यों हो? अंदर आओ। क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतनी जोर की खांसी आती है कि उसे सहा नहीं जाता। अब सो रहा है। तुम्हारे बारे में हमेशा कहता है, कहता है कि वो जरूर आएगी। माँ, 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 हाँ बेटा, हाँ यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, तेरे पास बैठा हूँ बेटा, यहाँ यहाँ तेरे पास, सुधा, सुधा, देख कौन आया है। देख, मैं लोना, लोना, तुम यहां बैठो बेटी, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। हाँ हाँ, 4 बजे बुला लेना, उसे दवा देना है, उसके साथ थोड़ा बातचीत करो, बहुत अकेला है वो। मैं चलूं? एक बार मुझे बता भी नहीं सके तुम। क्या होता खबर पहुंचा के? आज अगर मैं तुम्हें निकाल दूं तो? निकाल भी दिया तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम यहां आई हो, तुम्हारे
अरे अंकल को प्लीज। तुम्हें क्या हुआ है बोलो। एक्सीडेंट पे सीने में चोट लगने के बाद ये बड़ा डॉक्टर बोल रहा था यूसिनेफिल बड़ा है, बहुत खांसी होती है, ठीक होने में कुछ दिन समय लगेगा। मेरी वजह से माँ की तकलीफ बढ़ गई है, अकेले मेरी माँ। अब मैं आ गई हूँ, अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम रहोगी यहाँ? लोर्ना, लोर्ना! मेरी कोई गलती नहीं है माँ, मैंने हमेशा कहा है कि आप मेरे लिए खुद को बर्बाद मत कीजिए। वो तो सुनता नहीं है, मेरी क्या गलती है बताइए। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, मैं और उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसकी तबीयत जब ठीक हो जाएगी मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरी वजह से उसे मैं और कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। कहाँ जाओगी? नहीं पता माँ, पर शहर में और नहीं रहूंगी, दूर कहीं चली जाऊंगी। अगर जाने नहीं देते, जानती हो बेटी, ये जात जात करके मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी नुकसान हो गई, और नुकसान नहीं होने दूंगी मैं। मैं जात नहीं मानती, मैं सबकी सबकी माँ हूं। माँ, Thank you.
किसे चाहिए? मिस्टर चटर्जी हैं? वो बीमार हैं, मुलाकात नहीं हो पा। घर पे और कौन है? माजी हैं। बढ़िया, तुम एक काम करो, उनकी माँ को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। आप अंदर आइए। आप यहाँ बैठिए, मैं माची को बुला कर। था कि मेरा धर्म भ्रष्ट करके तू जिंदा रहेगा? निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। कौन, किसे ढूंढ रहे हैं? आप कौन? से पहले एक बार भी नहीं आया बेटा, बार बार उन्होंने कहा दिवाकर को बोल देना कि मैंने उसे माफ कर दी। वो सब बातें छोड़ो माँ, लेकिन माँ कैसे? ये तो तुम लोगों का ही घर है। हमारा घर? लेकिन मैं... उन्होंने ही सब बंदोबस्त कर दिया। तूने तो तकलीफ और बुरा दिन देखा है, तुझे क्या मालूम? तू चले जाने के बाद सिवार कुछ नहीं पता था। सुधाकर कॉलेज भर्ती होने के बाद ये मकान बनाया। भाई कहाँ है माँ? वो बहुत बीमार है, ऊपर में। चल ऊपर चल।
भाई? तू बिना वजह गुस्सा हो रहा है बेटा। मैंने देखा है तेरे पिताजी सुधाकर से ज्यादा तुझसे प्यार करता था। माँ, माँ, मैं तुम्हारा एक नालायक बेटा हूं। मैंने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है माँ, लेकिन आज तुमको पा लिया मैंने। पिताजी ने जात पात के चक्कर में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया। जात तो देखा माँ, सभी जाति पाति के चक्कर में पड़े रहते हैं। पिताजी की कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं, सिर्फ तुम। तुम्हारी तरह दुनिया में किसी को नहीं देखा मां। मैंने जात बदल ली है। मैं एक क्रिश्चियन हूं, सैमुअल डेनिस। बोलो ना मां, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। बोलो ना, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। बोलो ना, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। तू मेरा दिबाकर, आजा, आजा, ऊपर चल। माँ, कलो ना भी ऊपर है। हाँ, लेकिन तू उसे कैसे पहचानता है? उसे मैंने ही पाला है। उसके पिता माता के मरने के बाद लोढ़ना को बचपन से मैंने ही पाला है। क्या बोलूं माँ, अब मैं तो यहां पर आया था कि मैं और सोचा था झूठ नहीं बोलूंगा माँ। भाई को मैं मार डालूंगा। माँ, ये सब अब नहीं छूंगा। तुम अगर नहीं होती तो आज भाई को मैं इसी चीज से मार डालूंगा। माँ, मैं तुम्हारा नालायक बेटा हूँ। माँ, भाई को अगर ये बात बताई तो बोलना, उसे बोलना कि वो मुझसे नफरत ना करे। दीपा, दीपा, माँ, माँ, लोना को यही रहने दो। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपनी तरह बनाना माँ। चलता हूं। कहाँ जा रहे हैं? जाना तो पड़ेगा ही। भाई की जिंदगी के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं जोड़ सकता। नहीं, एक बार फिर से सोच लेना कि तुम्हारा नालायक बेटा मर चुका है। नहीं नहीं दीपा, बहुत तकलीफ के बाद मुझे फिर तू मिला है। मैं इस उम्र में दोबारा खोना नहीं चाहती। माँ, मुझे जाना होगा। नहीं, दीपा, छोड़ो माँ। दीपा, 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 लौटा, लौटा, दीपा, 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 लौटा, दीपा, लौटा, दीपा, लौटा, दीपा, लौटा।